हाय गाइस, सो ये जो वीडियो है वो एक मेरा एक्सपीरियंस वीडियो है कि इंडिया से यूएसए मैंने दिसंबर 2020 में ट्रैवल किया है और मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक टूरिस्ट वीज़ा होल्डर हूँ और मैंने काफ़ी ट्वीट्स और पोस्ट देखे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि दे वुड लाइक टू ट्रैवल टू विजिट देयर फैमिली टू यूएसए एंड हैव सिमिलर वीज़ा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था और क्या क्या मैंने किया और मैं स्मूथली यूएसए कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले तो बिफोर यू ट्रैवल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के गाइडलाइंस को देखा था। सो इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो है एयर बबल अग्रीमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ वैलिड वीज़ा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूएसए आने की, बट इट विल बी अप टू द एयरलाइंस कि वो आपको सेफली एंट्री मिले विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ये इंश्योर करें। तो इसीलिए मैंने ये पढ़ के ओके, एक बात तो हो गई कि आई कैन ट्रैवल बट इट इज़ अप टू एयरलाइन, सो मैंने एयरलाइन को कॉन्टैक्ट किया। अभी एयर बबल एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया से यूएसए डायरेक्ट फ्लाइट्स यूनाइटेड और एयर इंडिया चल रही है। सो एयर इंडिया तो कोल्ड रिस्पॉन्स था, सो जाने दिया मैंने। यूनाइटेड को मैंने जब भी कॉन्टैक्ट किया, यूनाइटेड एयरलाइंस, तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि दे हैव नो रिस्ट्रिक्शंस या ऐसा, यू कैन ट्रैवल बट यू हैव टू कंफर्म विथ योर इंडियन एम्बेसी। तो इसी को लेकर मैंने फिर इंडियन एम्बेसी को कॉल किया। सो इंडियन एम्बेसी ने भी कहा कि देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा टाइप, टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 जो होता है, और टू बी ऑन अ सेफर साइड आप एयरलाइन से बात कर लीजिए और आप US कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल जो होता है, जो एयरपोर्ट पे आपको एंट्री मिलेगी या नहीं जो डिसाइड करते हैं, आप उनसे भी एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि इफ़ देर इज़ एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो इसको लेकर मैंने जो है US कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल को भी मैंने कॉल किया, तो उनसे मेरी बातचीत हुई और जो आपका वीज़ा टाइप रहता है, आप कौन से कंट्री से आ रहे हो और आप किस एयरलाइन से आ रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आप जब उन्हें देते हैं तो आपको वो बोलते हैं कि इफ़ यू विल बी अलाउड या फिर आपको एंट्री रिस्ट्रिक्शंस है। तो उन्हें डिटेल्स मैंने दी और उन्होंने कहा कि देर इज़ नो इशू, कि आपको कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आ सकते हैं। अभी क्योंकि ये कोविड का समय है, देर कम्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन ऑफ क्वारंटीन। अभी क्वारंटीन के लिए मैंने US कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल को मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप CDC जो यहाँ का हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो आंसर करेंगे, तो CDC आप CDC को पूछ सकते हैं या फिर आप अपने स्टेट के लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं। तो CDC पे जो इंडिया जो लिस्टेड है वो एक अफेक्टेड कंट्री में लिस्टेड है, तो अफेक्टेड कंट्री से अगर आप आते हो तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना 14 दिनों के लिए मैंडेटरी है। अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो फिर आपको अपने लोकल जहां आपका एंड डेस्टिनेशन है, अभी मेरा एंड डेस्टिनेशन वाज कनेटिकट स्टेट, तो कनेटिकट स्टेट के लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट से मुझे पता चला कि अगर मुझे एग्जेम्पशन चाहिए तो मुझे 72 आवर्स बिफोर अराइवल इन कनेटिकट मुझे अपनी RT-PCR टेस्ट करवानी होगी, और अगर वो नेगेटिव होगी तो मैं यहाँ आके या फिर इवन बिफोर कमिंग टू कनेटिकट मैं अप्लाई कर सकता हूँ एग्जेम्पशन के लिए, जो मैंने किया यहाँ पहुँच कर। दैट वॉज द रूल फॉर माई स्टेट। सो आप अपने स्टेट के हिसाब से वो रूल्स चेक करके, मोस्टली तो यहाँ पे क्वारंटीन इज़ मैंडेटरी, इट इज़ सेल्फ क्वारंटीन, बट आपको अगर रिस्क नहीं लेना है कि आपको इमिडिएटली आके यहाँ आकर कहीं बाहर जाना है,
तो आप एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है कि नहीं, ये आप रिस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप अगर सेल्फ क्वारंटाइन वॉलेंट्री, कुछ स्टेट्स का वॉलेंट्री है, कुछ स्टेट्स का मैंडेटरी है, कुछ स्टेट्स का ऑप्शनल है, तो ये सब आपको लोकल स्टेट के वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टिकट्स तो मैंने डायरेक्टली यूनाइटेड एयरलाइंस के वेबसाइट से ही बुक की है, बिकॉज यू नो फ्लाइट कैंसिलेशन होती है या फिर रीशेड्यूल होती है तो फिर थर्ड पार्टी से करेंगे तो पैसे फर्स्ट जाने के चांसेस रहती है। यू नो एयरलाइन कहेगी कि हमने पैसे रिटर्न कर दिए, एजेंट कहेगा कि हमें पैसे रिटर्न नहीं मिले तो आपके पैसे गायब हो जाते हैं। सो फॉर दैट रीज़न आई बुक्ड डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड एयरलाइंस वेबसाइट, एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कैंसिलेशन के जो चार्जेस है वो है, बट अगर आपको फ्लाइट चेंज करनी हो तो फिर चेंज फीस वेव्ड ऑफ है, आपको सिर्फ डिफरेंस पे करना पड़ेगा अगर कुछ होगा तो, अदरवाइज देर आर नो चेंज फीस फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस एज ऑफ नाउ। मैंने जब दिसंबर 2020 में ट्रैवल किया, और यहाँ पे आप अगर इकोनॉमी में जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल किया मैंने, तो उसमें अगर आपको बुक करना है तो फ्लेक्सिबल इकोनॉमी जहाँ पे ये चार्जेस वेव्ड ऑफ रहते हैं, और लोएस्ट जो जहाँ पे आपको लोएस्ट इकोनॉमी फेयर मिलेगा पर ये सब चार्जेस वेव्ड ऑफ नहीं होते, ये सब फेयर सिमिलर चार्ज है, सेम प्राइस। सो यू कैन बुक द फ्लेक्सिबल ऑप्शन एंड आपको चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। रही बात टिकट्स के प्राइसिंग की, अभी मैंने इकोनॉमी बुक किया तो इकोनॉमी करीब 70-80,000 राउंड ट्रिप चल रहे थे फेयर्स, ₹70-80,000, और मुझे मेरी डेट्स के लिए 69,000 रिटर्न फेयर मिला। सो इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल रेंज जो मिलती है ऑन अ फुल सर्विस कैरियर, जो आपको फेयर मिलेगा अराउंड करीब उसी के आसपास चल रहा है। सो दैट्स इट। तो रही बात अब जर्नी के दिन की, तो मैं नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके ही चल रहा था, और कहीं पे अगर पूछ ले जस्ट इन केस तो हैड डन इट, आई गॉट माय रिजल्ट्स ऑन डे ऑफ ट्रैवल। और जब मुंबई एयरपोर्ट में पहुंचा तो मुंबई एयरपोर्ट में एंट्री लेते टाइम आरोग्य सेतु ऐप इज़ मैंडेटरी, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो ऐप वो चेक करते हैं एंट्री के टाइम, फिर यूजुअल आपके टिकट्स और पासपोर्ट वीज़ा चेक करेंगे। जो चेक इन प्रोसेस है वो भी काफ़ी नॉर्मल थी, आपके डिटेल्स वो चेक करेंगे, आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस पूछेंगे। अब वहाँ पे मैंने देखा कि आप वीज़ा से ट्रैवल कर रहे हो तो एक अलग लाइन थी, और आप ग्रीन कार्ड या फिर आप यूएस सिटीज़न हो तो आपको अलग प्रेफरेंस मिल रहा था। आई डोंट नो इफ दिस इज़ नॉर्मल और नॉट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। सो वो तो हो गया, देर वेर नॉट मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड देयर। हाँ, चेक इन होने के बाद मुझे यूनाइटेड के तरफ से जो न्यू जर्सी स्टेट है उनके जो कोविड के फॉर्म्स रहते हैं ऑन अराइवल, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, क्वारंटीन एंड एट्सेट्रा, तो वो फॉर्म का मुझे एक SMS आया था। अब वो शायद आपके एंड डेस्टिनेशन यूनाइटेड के साथ, मेरा एंड डेस्टिनेशन नेवार था करके मुझे न्यू जर्सी का आया, आपका एंड डेस्टिनेशन क्या होगा उस हिसाब से शायद आपको अलग स्टेट का आ जाए। हावेवर मेरा जो नेवार के आगे मुझे कनेटिकट स्टेट में जाना था, तो मैंने वो ट्रैवल फॉर्म स्किप कर दिया एंड मैं आगे चला गया बोर्डिंग की तरफ, तो बाकी सब तो नॉर्मल था। कोविड का समय था करके एयरपोर्ट काफ़ी खाली था, जो बोर्डिंग प्रोसेस भी है वो काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो गई, एंड बोर्डिंग के टाइम सिंस यूएसए का फ्लाइट है तो वापस और एक बार सिक्योरिटी चेक हुआ,
और फिर हम गए प्लेन की तरफ। नाउ प्लेन में जो चढ़ते टाइम हमें एक वेट वाइप्स, अल्कोहल वाइप्स दिए थे फॉर ऑल द पैसेंजर्स, एंड पीपी किट वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ मास्क मैंडेटरी था। मास्क पूरी जर्नी के लिए इट इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज यू गेट स्कोल्डेड ऑन प्रीटी बैडली बाय द क्रू। तो इट शुड बी प्रॉपरली ऑन योर नोज एंड योर माउथ एंड नॉट इन अ यू नो, नाक आपका ढक नहीं रहा, ऐसे वाले पोजिशन में मास्क नहीं चाहिए। और जो डिपार्चर था वो ऑन टाइम था, एंड सून आफ्टर टेक ऑफ मील सर्विस जो थी वो शुरू हो गई थी। अब मील सर्विस में डिनर था, डिनर टेक ऑफ के तुरंत इमिडिएटली जब क्रूज एल्टीट्यूड पे आ गए थे हम, डिनर मिल गया था। डिनर में था एक राइस था, ब्रेड था, दो ग्रेवीज थी, सैलड, स्वीट, मूंग दाल थी और ड्रिंक थी। अब ड्रिंक में देर वर बेवरेजेस जो यूजुअली रहते हैं वो, और दैट वाज इट। एंड फिर लाइक जिम कर दी गई और जर्नी वाज एज यूजुअल। अब अराउंड जर्नी में हम 7 आवर मार्क था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द हाफ वे इन टू द जर्नी। हमें वापस स्नैक्स के लिए सर्विस शुरू हो गई। नाउ दैट स्नैक्स वेर बिस्किट, पार्ले जी सैंडविच था, कोल्ड सैंडविच था, अगेन चॉकलेट, मूंग दाल एंड बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, ऐसे बेवरेजेस थे। तो मील सर्विस केप्ट एवरीवन एक्टिव आई गेस। फ्लाइट जो थी अराउंड 60% फुल थी, तो फिर द सर्विस वाज प्रीटी क्विक। एंड अगेन अराउंड एन आवर बिफोर लैंडिंग, यानी जस्ट एकदम घाय घाय में ब्रेकफास्ट दिया गया था। ब्रेकफास्ट में वेज ऑप्शन में था मसाला डोसा, उपमा, जूसेस एंड अगेन बेवरेजेस, टी और कॉफ़ी और कोक, व्हाटएवर। तो फिर ये काफ़ी करीब था लैंडिंग के, ऑलमोस्ट जैसे सर्विस ख़त्म हुई वी वेर ऑलरेडी डिसेंडिंग। एंड या दैट वाज इट फॉर द फ्लाइट। सो काफ़ी नॉर्मल था, जस्ट द डिफरेंट पार्ट ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन वाज मास्क मैंडेटरी। मास्क आप खाली खाना खाने टाइम या पानी पीते टाइम आप निकाल सकते हैं, या फिर मास्क वाज मैंडेटरी द फुल टाइम। नाउ जो लैंडिंग थी वो बिफोर टाइम थी, प्लेन वाज वेरी मच ऑन शेड्यूल। वी वेर सपोज टू लैंड एट अराउंड 5:30, 5:40, बट वी लैंडेड एट न्यूयॉर्क ऑन एट अराउंड 5:10, ऐसे हमने लैंडिंग की। तो जर्नी वाज क्वाइट स्मूथ एंड नॉर्मल। एग्ज़िट के टाइम वी वेर इंस्ट्रक्टेड कि आप रो वाइज एग्ज़िट करो, जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए। आप अगर उसके बीच में उठेंगे और जो टिपिकल एयरलाइन लैंडिंग के बाद जो बिहेवियर रहता है सब लोग कर दी करते हैं, इफ़ द रूल्स आर नॉट फॉलोड यू विल बी फाइंड या फिर एक्शन लिया जाएगा। तो लोगों ने काफ़ी डिसिप्लिन के साथ वो एग्ज़िट किया। एंड जो इमिग्रेशन था वो भी काफ़ी नॉर्मल था कोविड के बारे में। देर वेर नो क्वेश्चन अबाउट कोविड एट ऑल, एंड काफ़ी नॉर्मल इमिग्रेशन था कि हु वर यू विजिटिंग, व्हाट इज़ योर ड्यूरेशन, एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं लगेज के बारे में। अब लगेज में वी वेर कैरिंग इंडियन स्नैक्स, तो फिर इट इज़ बेटर यू डिक्लेयर दैट। एंड वही हमने किया कि हम स्नैक्स कैरी कर रहे हैं, एंड दे वेर ओके। सिंस वी वेर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, हमें काफ़ी एक अच्छे बड़े स्माइल के साथ वेलकम किया गया सुबह में। एंड द बैगेज क्लेम वॉज अगेन क्विक। वी वेर आउट
फ्रॉम प्लेन टू द एग्ज़िट करीबन आधे घंटे में, 30 मिनट्स में हम लोग एग्ज़िट पे थे. सो इट वॉज़ क्वाइट फास्ट, एयरपोर्ट वॉज़ नॉट क्राउडेड एट ऑल. एंड हावेवर एक चीज़ मेरे साथ हुई कि वी आर पुल्ड आउट फॉर अ रैंडम सिक्योरिटी चेक. उधर हमें वापस हमारे लगेज के बारे में क्वेश्चंस किए गए कि आपके लगेज में क्या है, आपने खुद नहीं पैक किया है ना, किसी के लिए आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे. दीज वर ऑल जनरल क्वेश्चंस एंड इट वाज अ वेरी रैंडम सिक्योरिटी चेक, क्योंकि मैं हमारे पीछे से जो लोग आए थे स्किप्ड एंड वेंट स्ट्रेट आउट. सो आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, सो आई थॉट इट वाज अ प्रोसीजर, बट सीम्स लाइक इट वाज वेरी रैंडम चेक. सो या हम लोग प्लेन के गेट से एग्जिट पे आधे घंटे में थे. इट वाज अगेन नॉर्मल, नो कोविड क्वेश्चंस, नो क्वारंटीन इंफॉर्मेशन, नो फॉर्म्स टू फिल, नथिंग नथिंग नथिंग. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया टू USA, जो काफ़ी नॉर्मल था. इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल एंड विजिट योर रिलेटिव्स, विजिट योर फैमिली हियर इन USA, तो आप कर सकते हो इफ़ यू आर अ वैलिड वीज़ा होल्डर. एंड या दैट्स इट. अगर आपको ये वीडियो